वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉल एवरी मैन्युफैक्चरिंग। सो दोस्तों, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के शेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए आप आरएनएस इक्वेशन का कैसे इस्तेमाल करें वाया ऑनलाइन कैलकुलेटर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यू नीड टू ओपन अ गूगल, ओके? जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट? द मोमेंट यू ओपन द गूगल, यू नीड टू टाइप westpak.com, which is called as westpak.com. The moment you click this link, आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको एक्सेलरेटेड एजिंग कैलकुलेटर को लिंक को क्लिक करना है, राइट? द मोमेंट यू क्लिक द लिंक, इट विल ओपन टू अ सब्सिक्वेंट पेज। सो माय फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा कि किसी भी मेडिकल डिवाइस के लिए या फॉर द आईवीडी प्रोडक्ट, जब भी आरएनडी उसका डेवलपमेंट करता है इन डिजाइन फेज, विच इज अ डीएनडी फेज, सो ही और शी नीड्स टू डिटरमाइन अ शेल्फ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए अगर मुझे 1 ईयर का शेल्फ लाइफ क्लेम करना है, तो आई नो नीड टू कंडक्ट माई स्टडी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। मैं थोड़ा शॉर्ट रूट को फॉलो कर सकता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। एज द नेम सजेस्ट, एक्सेलरेटेड मीन्स यू नीड टू परफॉर्म द स्टडी बाई पुटिंग द मेडिकल डिवाइस और द एवडी किट अंडर द एक्सेलरेटेड कंडीशन, आई मीन एट अ हायर रेट ऑफ द कंडीशन। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेटर को देखने से पहले what we will do, we will understand few terminology of RNS equation, right my friends? Okay, so dosto, AAT represent the accelerated aging time, right? I mean aapko apne product ko kitne dino tak accelerated conditions mein rakke test karna hai, isko hum bolte AAT, which is equal to RT upon Q10 TAA माइनस TRT डिवाइड बाई 10। सो माई फ्रेंड्स, ये RT क्या है? दिस RT इज बेसिकली अ रियल टाइम, राइट? आई मीन द प्रोडक्ट अगेंस्ट विच इट विल बी केप्ट इन अ पर्टिकुलर स्टोरेज कंडीशन, राइट माई फ्रेंड्स? या फाइन। अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये TAA और TRT क्या पार्ट है इस फॉर्मूला के अंदर। सो माई फ्रेंड्स, जो आपका जो TAA होता है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड एजिंग टेम्परेचर, राइट? जो TRT होता है, इसको बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर, राइट? सो आपको यूजुअली क्या होता है, लेट्स से कि आई एम गोइंग टू टेक अ प्रोडक्ट ऑफ एन रैपिड टेस्ट। इन दिस केस आई एम गोइंग टू रिफर डेंगू NS1 एंटीजन रैपिड टेस्ट। लेट्स से कि कोई जो मैन्युफैक्चरर है, आई एम बीन द मैन्युफैक्चरर, तो मैं डेंगू NS1 एंटीजन जो रैपिड टेस्ट है उसका जो मैं स्टोरेज कंडीशन या जो मैं क्लेम करने वाला हूँ, जो लेबलिंग इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड करूँगा, सो आई एम गोइंग टू पुट डेट माय प्रोडक्ट इज स्टोर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो दिस 25 डिग्री इज वॉट, इट इज द एक्चुअल एम्बियंट टेम्परेचर, द TRT, राइट? सो यूजली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, बट आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल बाई ऑफ डेंगू NS1 एंटीजन बाई कीपिंग एट 25 डिग्री। सो लेट्स से मैंने कैलकुलेटर में मैं आ गया, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, माई NS1 एंटीजन का मेरा जो स्टोरेज कंडीशन था वो है 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ आई नीड टू क्लेम द एक्सपायरी फॉर द 18 months, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आके वैल्यू फिट करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे 25 पुट करूँगा, ओके? द मोमेंट आई पुट 25, मुझे यहाँ पे मंथ्स पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे डिजायर रियल टाइम पूछ रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे DRT बताया था। सो डिजायर रियल टाइम इज बेसिकली द नंबर ऑफ मंथ्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज गोइंग टू क्लेम एज अ शेल्फ लाइफ। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, 18 months। अभी मैं 25 डिग्री है ना, तो यूजली क्या होता है, जो एक्सेलरेटेड एजिंग टेम्परेचर होता है ना, वो यूजली इन मोस्ट ऑफ द केसेस 15 डिग्री एडिशन होता है अगेंस्ट द एम्बिएंट टेम्परेचर, 15 to 10 or 20। सो आई एम गोइंग टू कंसिडर 55 डिग्री, राइट? और जो मेरा एजिंग फैक्टर है वो यूजली रेंज करता है बिटवीन 1 to 2, इन मोस्ट ऑफ द केसेज इट इज 2, सो आई एम गोइंग टू कंसिडर एज माई 2 द एजिंग फैक्टर, राइट?
Now I need to press this calculate button. See दोस्तों, जैसे मैंने calculate button पर क्लिक किया, उसने ये बताया कि आपका जो प्रोडक्ट था डेंगू NS1 एंटीजन, जो मैंने R&D फेज में बनाया था, जिसके लिए मैंने 18 मंथ्स का मुझे शेल्फ लाइफ क्लेम करना था एट 25 डिग्री। अभी ये बता रहा है कि जो मेरा जो प्रोडक्ट है ना, उसकी जो मैं स्टडी करूंगा या करूंगी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज, आई नीड टू परफॉर्म फॉर 68.4 डेज, राइट? सो दिस इज द एक्सेलरेटेड एगिन टाइम माई फ्रेंड्स। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।